सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज, वेलकम टू क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। गाइस, आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ, खासकर उन बच्चों के लिए जो मेरे पास लगातार मैसेजेस करते जा रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे एंड मेरे ट्विटर अकाउंट पे। गाइस, उन बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या सर, कहीं ना कहीं मेरा एक सब्जेक्ट का एग्जाम बहुत ज्यादा खराब हुआ है एंड उन्हें डर है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। और आई होप तुम सब इसमें से ना हो, बहुत ही कम बच्चे होने चाहिए ऐसे जिनको डर हो कि फेल हो, बट स्टिल उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनके लिए आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है और बहुत ही ऑफिशियल न्यूज़पेपर की अपडेट है। तो मैं चाहता हूं तुम सब इस न्यूज को देखो, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक, सबसे तेज और सबसे सही न्यूज देने का हम प्रॉमिस जो करते हैं वो हमने अभी तक निभाया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहली चीज तो यहां पर ये देखो बच्चों कि उन बच्चों के लिए ये एक न्यूज निकल कर आई है, जो बच्चे जिनको डर है कि वो एक दो सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं, या हो सकता है उनके टर्म टू के मार्क्स इतने अच्छे ना आए कि वो फेल हो जाए, तो उन बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आज एक न्यूज रीड कर रहा था। तो मैंने देखा कि यहां पर उन्हीं बच्चों के लिए एग्जैक्टली न्यूज है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम बच्चों को शेयर किया जाए और बताया जाए कि एग्जैक्टली डरने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई ने हम सबका ध्यान रखा हुआ है। तो चलो यहां पर इस न्यूज को एक बार देखते हैं जल्दी से और देखते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात यहां पर गाइस ध्यान से देखो कि इस बार सीबीएसई 10th एंड 12th टर्म टू एग्जामिनेशन 26 अप्रैल 15, जिसके 35 लाख बच्चों ने एग्जैक्टली फॉर्म भरा था, चलो ठीक है ये सारी बात। ओवरऑल 30% फीसदी अंक लाना अनिवार्य है, या गाइस जो लोग कह रहे हैं 30% पासिंग मार्क्स है, ये सब के सब फेक न्यूज है। मैं ऑलरेडी वीक में एक वीडियो जरूर डालता हूं जो पूरे वीक की र्यूमर्स का, पूरे वीक में जितनी भी अफवाह फैल रखी होती है ना, उन सब की बैंड बजाता हूं मैं। तो यस, यहां पर बिल्कुल अच्छे से प्रूफ हो गया कि जो परसेंटेज है वो 30% का है, यानी तुम्हें पास होने के लिए 30% चाहिए, बट एक या दो सब्जेक्ट में, एक या दो विषय में न्यूनतम अंक का यहां मतलब हो गया 33%, यस 33% से कम अंक प्राप्त करते हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए सीबीएसई कंपार्टमेंट पेपर निकालेगी। यस, बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन थी कि क्या सर इस बार कंपार्टमेंट का पेपर होगा, होगा तो कैसा होगा, स्टूडेंट्स कैसा होगा ये तो अभी हम बिल्कुल नहीं बता सकते, लेकिन कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा और ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिनका एक दो सब्जेक्ट में वो फेल हो गया, 33% से कम होगा। इससे ज्यादा अगर होते हैं तो फिर सीबीएसई क्या डिसीजन लेती है, इसके बारे में हम देखेंगे बाद में भी, बट स्टिल अभी तक की सबसे अच्छी न्यूज तो यही है बच्चों निकल कर आई है कि जो भी बच्चे एक या दो सब्जेक्ट में फेल होने से डर रहे हैं तो प्लीज मत डरो। तुम्हें अगर लगता है कि इस सब्जेक्ट में तुम्हारी कंपार्टमेंट आ सकती है, कम मार्क्स आ सकते हैं, 33% नहीं आएंगे, तो एक चीज आई रिक्वेस्ट कि उसकी स्टडी अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि जैसे ही कंपार्टमेंट पेपर में 1 मंथ मिलेंगे या 15 दिन मिलते हैं उसकी प्रिपरेशन में फिर टाइम ज्यादा ना लगे, तुम्हारी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी हो और तुम फिर कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाओगे। ओके, रिजल्ट से जुड़े लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, बेकार की चीजें हैं ये सब, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो गाइस सबसे पहली चीज तो तुम्हें यही करना है कि जो भी सब्जेक्ट में तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंपार्टमेंट आ सकती है उसकी स्टडी स्टार्ट कर दो। एंड स्टिल मेरे साथ ट्विटर पे जरूर जुड़ो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म के लिए। यस, मेरा ट्विटर एंड इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, ये मेरा ट्विटर अकाउंट भी है और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। इंस्टाग्राम पे तुम मुझे चाहो तो डीएम भी कर सकते हो, मैं रेगुलरली बेसिस पे अपने सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई जरूर देता हूं। तुम में से कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं कि तुमने मुझे मैसेज किया हो डीएम पे, इंस्टाग्राम पे, और मैंने रिप्लाई ना किया हो। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है बच्चों, बट स्टिल, और ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि यहां पर देखो मैं ऑलरेडी जो भी र्यूमर्स आते हैं कि 30% 30-70 होना चाहिए, ये बिल्कुल ट्रू न्यूज नहीं है। सीबीएसई ने एक ऑफिशियल अपडेट डाली थी, सर्कुलर डाला था कि 30-70 का जो चक्कर बता के यूट्यूब पे तुम्हें डराया जा रहा है वो बिल्कुल तरीके से फेक है। इसके बाद मैंने बेस्ट ऑफ आइदर टर्म के सपोर्ट में #JusticeForSBSC2022 इसको ट्वीट किया था, ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करो ताकि ये बात हमारी सीबीएसई तक पहुंच पाए, अदरवाइज इस चीज का कोई फायदा नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। तो चलो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज के लिए। एंड नाउ ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए गाइस, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो वॉच एग्जाम न्यूज गाइस। सो मिलते हैं फिर जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है, टिल देन चिल करो एंड स्टडी करते रहो जिसमें भी तुम्हें लगता है कि कंपार्टमेंट आ सकती है। गाइस, गुड लक।